सो वी हैव एक्साइटिंग कपल ऑफ मंथ्स ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और इसकी शुरुआत होने वाली है UFC 302 से, जहां पर इस्लाम मकाशेव द लाइट वेट चैंपियन ऑफ द UFC विल बी डिफेंडिंग हिज टाइटल अगेंस्ट डस्टिन पोरियर। उसके अलावा UFC 303 में द मच अवेटेड रिटर्न ऑफ कॉनर मैकग्रेगर, जो कि फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट माइकल चैंडलर, वन ऑफ द मेगा इवेंट, वन ऑफ द मेन इवेंट ऑफ द ईयर 2024। और अब UFC ने 304 का मेन इवेंट एंड को-मेन इवेंट भी अनाउंस कर दिया है, और मेन इवेंट में लियोन एडवर्ड्स विल डिफेंड हिज वेल्टरवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। सो एक के बाद एक बहुत ही जबरदस्त UFC इवेंट आने वाले हैं। उसके अलावा रोड टू UFC भी चल रहा है, जहां पर फाइटर्स लाइक अंगद बिष्ट एंड प्रिया शर्मा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा खमजात चिमाइव की रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट होने वाली है इन दी UFC फाइट नाइट इन सऊदी अरेबिया। सो एक्साइटिंग, सुपर एक्साइटिंग इवेंट आने वाले हैं। बट जो चीज इस समय कॉम्बैट स्पोर्ट्स ने जिसको पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, वो है अ पोटेंशियल फाइट बिटवीन इस्लाम मकाशेव एंड कॉनर मैकग्रेगर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, बट इट इज हैपनिंग, इट कैन हैपन एंड इट कैन हैपन इन 2024 इटसेल्फ। असल में हुआ क्या, इस्लाम मकाशेव कामरो उस्मान के पॉडकास्ट पर आए थे, जहां पर वो बात कर रहे थे अपनी फाइट जोन की डस्टिन पोरियर के सामने होने वाली है, कि किस तरीके से पोरियर को ये टाइटल शॉट मिला हुआ है, उनकी लाइफ का आखिरी टाइटल शॉट हो सकता है। और उसी कॉन्वर्जेशन के दौरान पूछा कामरो उस्मान ने इस्लाम मकाशेव से कि वॉट अबाउट कॉनर मैकग्रेगर, बिकॉज कॉनर मैकग्रेगर भी लंबे समय के बाद वापस आ रहे हैं। तो पहले तो उस पर इस्लाम मकाशेव ने कॉनर की फिटनेस के ऊपर और जो उनका पिछले 2-3 साल में पूरा का पूरा मामला चला है कि किस तरीके से ही विल नॉट बी द सेम मैन अगेन इन द ऑक्टेगॉन, उसके ऊपर अपनी बात की, एंड देन ही फाइनली एक्सेप्टेड द चैलेंज। आई एम नॉट किडिंग, वी गोना रिएक्ट टू दैट वीडियो राइट नाउ, आई एम गोना प्ले इन फ्रंट ऑफ यू, और उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देखा जाएगा, देखेंगे कि क्या इस्लाम मकाशेव ने बोला है कॉनर मैकग्रेगर के बारे में, एंड क्या रियलिस्टिकली खबीब नर्मागोमेदोव की रिवेंज कॉनर मैकग्रेगर को लेने का मौका मिल सकता है इस्लाम मकाशेव से, बिकॉज इट इज एज क्लोज एज खबीब यू कैन गेट इन द ऑक्टेगॉन। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। और इसी तरीके के बहुत सारे पॉडकास्ट भी हमारे आने वाले हैं। सो अगर आप MMA के फैन हो, अगर इंडिया में MMA की ट्रेनिंग लेना चाहते हो, MMA के बारे में और ज्यादा एक्सपर्टीज बढ़ाना चाहते हो, देन यू हैव टू वॉच आउट फॉर दोस पॉडकास्ट। आई एम श्योर यू विल एब्सोल्युटली लव इट, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो, पॉडकास्ट, एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस ना करो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। But this is still a victory where a lot of people, I know this fight is kind of, they threw it on very quickly to where a lot of people are saying, oh, Dustin just fought not too long ago. But this is still a very dangerous fight. And I think people were counting Dustin out in his last fight. They had this guy coming in, this young guy, very aggressive. And a lot of people were saying, oh, I looked at the odds and it was very, very close. And I'm thinking, do these guys not understand that this is Dustin Poirier? This guy is still very, very dangerous. And Dustin Poirier, you know, that you have to agree. मतलब Dustin Poirier और Benoit Saint Denis की जो fight हुई थी, उसमें literally everyone was rooting for Benoit Saint Denis. और लग रहा था कि वो तो पूरी तरीके से Dustin Poirier को उड़ा करके रख देंगे. But the diamond arrived and the diamond shows that he has still got it. और उसी fight में, उसी बेहतरीन performance के बाद उनको Islam Makhachev के साथ title shot मिला है. So by no means ये fight बहुत ही lightly लेनी चाहिए Islam Makhachev को और उनके fans को lightly लेनी चाहिए. I think this is one of the top notch fight मकाशेव के करियर की ये होने वाली है. एंड मेक नो मिस्टेक यार, ये बहुत ही मजेदार फाइट और बहुत ही क्लोज फाइट होने के मतलब पूरे पूरे चांसेस है इस फाइट के. एस कामरो सेइंग हिमसेल्फ, ही जस्ट फिनिश्ड कॉनर ट्वाइस, ही बीट अ लॉट ऑफ गाइस. सो व्हाई यू से ही फिनिश्ड कॉनर ट्वाइस, ब्रदर? एवरीबॉडी कैन फिनिश कॉनर 10 टाइम्स. This is where it started. He said कि उन्होंने दो बार हराया है Dustin Poirier ने कॉनर मैकग्रेगर को, कामरो उस्मान ने बोला, और उसके बाद बोला इस्लाम मकाशेव ने कि वो आप ये क्यों बोल रहे हो कि कॉनर को दो बार हराया है Dustin Poirier ने, कॉनर को कोई भी 10 बार हरा सकता है. एंड लुक एट द रिएक्शन ऑफ कामरो उस्मान. यहाँ पर कामरो समझ चुके हैं दैट इट इज ऑन. ओके ओके ओके, सो आफ्टर Dustin यू फिनिश कॉनर इफ कॉनर वांट्स. I think this biggest fight in the UFC, this one of the biggest. I think Khabib's still number one, but I think this... I don't think he will cut weight.
यहां पर इस्लाम मखाशिम ने पहले तो अग्री किया कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने के लिए, बट कॉनर मैकग्रेगर इज नाउ फाइटिंग इन द वेल्टरवेट डिवीजन एंड इस्लाम फाइट्स इन द लाइटवेट डिवीजन। सो इस्लाम मखाशिम का कहना है कि जिस करियर के पड़ाव पर कॉनर मैकग्रेगर अब पहुंच चुके हैं, ही फाइंड्स इट वेरी अनलाइकली कि वो वेट यहां पर कट कर पाएंगे। सो आई थिंक माइकल चैंडलर, दिस इज ऑब्वियसली आई नो यू सेड दैट एंड यू राइट, Sarukian इज deserving of it, but stylistically too, and the payday Islam too, because obviously, brother, why not? If people have to be stupid, say no. Of course, I will fight with him. would you skip Armin Sarukian to fight Conor McGregor, brother, in your next fight? Fight next, like October or November? I can fight August or September with McGregor. तो आर्मा सरोकियन से फाइट की बात चल रही है यहाँ पर इस्लाम मखाशिव की, और डस्टिन पोरियर से उनकी फाइट अनाउंस होने से पहले से अरमान उस कतार में लगे हुए हैं दैट ही वांट्स अ टाइटल शॉट, एंड आई थिंक ही काइंड ऑफ डिजर्व्स इट, एवरीबॉडी अग्रीज दैट ही काइंड ऑफ डिजर्व्स इट, बट कॉनर मैकग्रेगर इस्लाम मखाशिव, दैट विल एब्सोल्युटली सेट द कॉम्बैट स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑन फायर। मतलब खबीब और कॉनर के बाद आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट फाइट। मेरे ख्याल से जॉन जोन्स और फ्रांसिस एनगानू की अगर फाइट होती तो वो उसके करीब आ सकती थी, बट वो फाइट तो हो नहीं पाई। But I still think that this has the potential to just completely rock the world of every combat sports fan. So might Arman have to, might be he will have to wait. We don't know yet ki Arman Sarukian ko kitna yahan par intezar karna padega. But yahan par Islam Makhachev has made it absolutely clear ki October November mein unki fight hogi. Ab wo June mein fight karenge to obviously 3-4 mahine ka gap rahega, and then he will fight in October November. But agar Conor se fight hoti hai, then he is ready to fight in August and September as well. So he is really set the bar high and he's really really calling it out. Matlab ye to ek pura front. Same night, so, brother, easy. This guy not same. I don't want to like make him feel like look bad, but everybody know this guy not same, you know. Before, yeah, for sure, when he was fighting with Khabib, he's in the good shape, you know, he's a high level fighter, but right now it's too much alcohol, too much whiskey, and it's not same. Not same. Okay. So, ये पॉइंट कॉनर के बारे में खबीब भी काफी बार बोल चुके हैं कि एक पीक आता है आपका आपके करियर में, एंड आफ्टर दैट यू गो डाउनवर्ड्स फ्रॉम देयर। मतलब देयर इज नो पीकिंग अगेन, आपकी लाइफ में दो बार पीक नहीं आ सकता। एंड सेम पॉइंट यहां पर इस्लाम मखाशिव भी बोल रहे हैं कि यार जब उनकी खबीब से फाइट हुई थी, देन कॉनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ वेरी डिफरेंट फाइटर, वॉज इन प्रॉबेबली इन हिज प्राइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसके बाद से वो डाउन हिल चले गए हैं, और फिर उनके अल्कोहल को लेकर के एंड सब्सटेंस अब्यूजेस को लेकर के तो हम सभी जानते हैं कितने कंट्रोवर्सी पिछले कुछ सालों में रही है। सो ही थिंक्स दैट इट्स एन इजी टास्क फॉर हिम, और बट यहां पर यार मेरा पॉइंट यही है कि जब तक आप उनकी फाइट देख नहीं लेते अगेंस्ट माइकल चैंडलर, ये सब अजम्पशंस हैं कि कॉनर फाइट कर नहीं सकते, पीक उनका दोबारा आ नहीं सकता। आई मीन दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन जनरल, चाहे आपका टीम स्पोर्ट्स हो या इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, किसी भी तरीके का स्पोर्ट हो, यू कैन नॉट टेक योर ओपोनेंट लाइटली, स्पेशली जब आपने उनको देखा नहीं है कि वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। हाँ, एक सब्सटेंशियल डेटा जरूर हो सकता है, कई फाइटर्स को आपने स्टडी किया होगा, समबडी रीसेंट एग्जांपल आप टोनी फर्गसन का ले सकते हो कि यार पीक चला गया, दोबारा वैसा पीक आया नहीं, बट यू हैवंट सीन कॉनर फाइट, वी हैवंट सीन कॉनर फाइट। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल प्रीमैच्योर दिस अजम्पशन फ्रॉम इस्लाम एंड प्रोबेबली एवरीवन एल्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट वील हैव टू बी प्रीटी केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉनर मैकग्रेगर हियर। आई मीन दिस इज नॉट सम रूकी फाइट आर वी टॉकिंग अबाउट। Okay, one question real quick. What do you see when you see a guy like Dustin Poirier, you know, all jokes aside, what do you see in Dustin Poirier that makes him very dangerous and what that you brother, have to watch out for? Very heavy hands and very good guillotine. Yes. That's it. इस्लाम मखाशिव जो उनके गिलेटिन है, जो उनका चोक है डस्टिन पोरियर का गिलेटिन, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ टैप्ड आउट ऑन हिज गिलेटिन, बट इस्लाम रियली सीम्स टू वरी अबाउट इट क्वाइट अ लॉट। यहाँ पर थोड़े से वो परेशान ज़रूर दिख रहे हैं, एंड वी ऑल नो माइकल चैंडलर डस्टिन पोरियर इज़ वन हेल ऑफ अ बॉक्सर। सो स्ट्राइकिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बट मेरे ख्याल से ग्राउंड वर्क इस्लाम मखाशिव अगर उनको एक बार नीचे ले गए, then he will gas him out. So I think this is his point, this is his plan as well for the upcoming fight.
Wrestling yes. and grappling? No. Why are you smile when you say this? It's like the brother. My brother. It's not a joke. It's not a joke. I agree. Wrestling and grappling. Everybody knows this. And he have always yes. problem. When somebody take him down, hold his back, he have always problem. Same problem. But his nickname, Diamond, I have to go 1st June, take the diamond and put them my belt, you know? He's saying he'll take the diamond, the nickname hai unka, and he will put it in his belt. I think he seems pretty confident and he sees, I think unka plan kya hai, he made it clear that groundwork, Dustin Poirier ka is not his strongest ally, and that is one of the strongest point in the in this fight, that Islam Makhachev groundwork is really out of this world, and I think unki jo grappling hai, unki jo striking hai, that is also better than Khabib, I might say, aur isi wajah se I feel he is really really confident against Dustin Poirier. But hey, Dustin Poirier ki fight agar Islam Makhachev jeetate hain to kya unko Conor McGregor se fight karni chahiye ya fir Arman Sarukyan ko unke title shot dena chahiye? और अगर वो हारते हैं देन आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर की फाइट थोड़ी सी और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाती है बिकॉज इट विल बी अ ह्यूज मनी डे अ ह्यूज ह्यूज पे डे फॉर कॉनर मैकग्रेगर एंड फॉर इस्लाम मकाशेव एंड फॉर द यूएफसी ऑफ कोर्स एज वेल सो इस पर आपका क्या ओपिनियन है शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो वुड यू लाइक टू सी अ फाइट बिटवीन इस्लाम मकाशेव एंड कॉनर मैकग्रेगर मे बी इन यूएफसी 308 309 वी डोंट रियली नो अबाउट इट राइट नाउ बट आप अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो बिकॉज आई हैव सम ब्रिलियंट कंटेंट ब्यूटीफुल पॉडकास्ट लाइंड अप फॉर यू गाइस सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो पीस